अच्छा, आज हमने कल पिछले दो लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। ठीक है, कुछ याद है आपको? कोई आप में से कोई उसके अहम पॉइंट्स रिपीट कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो हमने कोर्स पढ़ा है उसमें से कोई अहम चीजें कोई रिपीट कर सकते हैं? या चलें हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रिंट मीडिया के बारे में। ठीक है, प्रिंट मीडिया से क्या मुराद है? हमने मुख्तलिफ मीडिया को हल्का फुल्का तारुफ पढ़ा था। आपके ख्याल में प्रिंट मीडिया से मुराद कौन सा मीडियम्स है? अच्छा अखबार, ये मैगजीन्स वगैरह, ऐसे जी, जरीदे। हाँ जरीदे, और इसी तरह जितना भी प्रिंट मटेरियल है ना, जो कि अल्फाज की सूरत में आए और प्रिंट फॉर्म में हमारे सामने आ सके, उसको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। तो जिस तरह क्योंकि मीडिया को चार बड़ी डिवाइड्स में लिया जाता है कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और इसी तरह ब्रॉडकास्ट मीडिया, तो प्रिंट मीडिया भी एक अहम तरीन उसमें पार्ट है उसका। और मतलब हमारे यहाँ आमतौर पर ये समझा जाता है कि प्रिंट मीडिया की अहमियत कम हुई है, लेकिन जो अभी तक उसको पढ़ने वाले, किताब पढ़ने वाले और खासकर एजुकेशन में और बहुत से और मैदानों में इसकी अच्छी खासी अहमियत है। और जिस तरह हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट और सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, उसमें काम करने की ज़रूरत है, उसकी बेसिक चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, सेम इसी तरह यानी प्रिंट मीडिया भी वही इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में जानना, इसके ऊपर काम करना और इसे इस्तफादा करना वो भी ज़रूरी है। और ख़ासकर जो दीनी तबका है और दीनी तबका या जो लोग तालिबे इल्म होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी की तरफ जाना होता है, उनके लिए प्रिंट मीडिया में काम करना कदरे आसान भी है, और उनके लिए अपनी सलाहियतों का इजहार करना उनको बड़ा फायदा देता है। उसके लिए प्रिंट मीडिया का जो सबसे, मैंने आपको मुकम्मल एक हैंडआउट भी दिया है प्रिंट मीडिया का, और खासकर ये आर्टिकल जो लिखा गया था, एक मुकाला, वो इसके हवाले से है कि एक दीनी लोग यानी वो लोग जो दावत से मुंसलिक हैं या दीनी तालीमात से मुंसलिक हैं या ये मकसद रखते हैं कि वो अपने अपने वक्त को, अपनी सलाहियतों को दीनी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, तो वो प्रिंट मीडिया में किस तरह काम कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया में उनके लिए क्या क्या राय हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, और उनको खुद प्रिंट मीडिया का कितना और किस हद तक पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो है सबसे अहम चीज है जो अखबार, जो प्रिंट मीडिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो अखबार है, कि अखबार जो है वो आप ने मतलब पढ़ना होता है और उसको, उसमें मुख्तलिफ चीजें जो है ना आती हैं, और उन्हीं के जरिए आप अपना अपना मवाद जो है ना पेश कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ आमतौर पर अखबार जो है वो पॉलिटिक्स यानी सियासत के लिए, खेल के लिए, शोबिज के लिए या बाकी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसी अखबार में काफ़ी ऐसे पोर्शन होते हैं कि अगर उनकी तरफ तवज्जो दी जाए तो उनको अपने दावती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन उसी हर अखबार में जो है वो बाकायदा तौर पर एक दीनी जो है ना एडिशन, उसकी स्पेस होती है, और अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहें तो आपके लिए उसमें जगह होती है, आप यानी दीनी आर्टिकल भेजें तो वो उसमें पब्लिश हो सकता है। इसी तरह कॉलम, एक उसमें जगह है, यानी कॉलम वो हिस्सा है कि जहाँ पे आप दीनी मवाद या दीनी चीजें लिख के भेजें, दावती, तालीमी, इस्लामी तारीख के मुतल्लिक, इस्लामी शख्सियात के मुतल्लिक आप लिखें तो अखबार उनको पब्लिश कर देते हैं।
यानी ये खबरों से हटके है। और इसी तरह उसी हर अखबार में एक स्पेस होती है लेटर टू एडिटर की, ठीक है। आप में से कभी किसी ने कोई लेटर टू एडिटर पढ़ा है? चलो लिखा तो बाद की बात, कभी उसने लेटर टू एडिटर अखबार में? सर जो पोर्शन होता है खतूत का उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेटर टू जी एडिटर से सर मुराद यही है। जी जी पढ़ा हुआ है काफी बार। तो कभी लिखने की कोशिश की या लिखा कभी लेटर? नहीं सर दिल करता था लेकिन फिर लिख नहीं पाई आज तक। नौनिहाल अच्छा में देखो वो, पढ़ती थी सर। हाँ अब देखिए ना, ये एक अखबार में ऐसी स्पेस है जो आपके लिए है कि आप एक बिगनर्स हैं, आप अपने जो है चाह रहे हैं कि हम अच्छा लिखें, मतलब अभी आगाज करना है आपने, और लेकिन आपका मकसद ये है कि मैं तीन ही चीजें लिखूं और दावत का काम हो। अब अखबार छप रहा है, अखबार बहुत जो है ना अखबार बहुत बड़े पैमाने पर छपता है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग उसको पढ़ते हैं। अच्छा अगर आप जाहिर बात है आप कॉलम ठीक है लिखेंगे तो वो कॉलम के हिस्से में पब्लिश होना इतना आसान नहीं है, वहाँ स्पेस कम है, लोग ज्यादा हैं, सीनियर्स की चीजें छपती हैं, या वो चाहते हैं कि जैसे सीनियर लोग लिखें जो कि अच्छा लिखें और बड़ा जबरदस्त दिलचस्प लिखें। तो लेकिन जो लेटर टू एडिटर है वो स्पेस ही नए लिखने वालों के लिए होती है, ताकि नए लिखने वाले उसको उसको यूज करें और वो कोई भी आर्टिकल लिखें, कोई अपने इजहार ख्याल करें। मसलन आपको आपके लिए बहुत होता है कि आपको अच्छा कोई किसी ने कोई आर्टिकल लिखा है तो आप उसको चाहते हैं कि इसका मैं आंसर करूं, या इसमें कोई वजाहत करूं, या इसमें कोई तारीखी हवाले से गलती है मैं उसकी निशानदेही करूं, या इसमें कोई एंटी इस्लाम बात है तो मैं उसका जवाब दूं, तो आपके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप लेटर टू एडिटर लिखें। तो ये एक स्पेस है आपके लिए। अच्छा इसी तरह अखबार में एडिशंस होते हैं, एडिशंस का अगर आपको अंदाजा हो कि वो है कलर्ड चीजें, आप किसी भी अखबार में जाएंगे ना तो वहां पे बकायदा कलर पेजेस होते हैं, अब उन पे छोटी छोटी चीजें वो, और वो एडिशन जो होते हैं ना हर रोज नए चीजों के बारे में होते हैं। मसलन किसी दिन वो शोबिज के बारे में होगा, किसी दिन वो ही एडिशन जो है वो आप देखेंगे कि ज़राअत के बारे में है, किसी दिन जुमे वाले दिन आमतौर पर दीनी मालूमात के बारे में होता है, और किसी दिन वही एडिशन जो है वो मुख्तलिफ यानी बच्चों के बारे में भी होगा, स्पोर्ट्स के बारे में भी होगा, ज़राअत के बारे में भी होगा, और इसी तरह खास मौके और खास त्योहार और खास दिन उनके हवाले से भी, मसलन माँ का दिन है जो है, मुख्तलिफ दिन आते हैं हमारे यहाँ, जैसे गज़वे बदर का दिन है, ईदैन आती हैं, बहुत से और मौके आते हैं, हर मौके के लिए आपको जो है वो ये एडिशन छपते हैं। अब इन एडिशन के लिए तहरीरें चाहिए होती हैं। अब हर अखबार, बस हमारे यहाँ एक तरफ तो ये समझा जाता है ना कि अखबार पसंद अखबार पे लिखना आपके लिए आसान नहीं है, अब जो है ना अखबार पे लिखना मुश्किल पेश आती है, यहाँ जी अखबार हमारा नहीं छापते, तो ये मतलब एक जो है ना ऐसी बातें हैं कि जो आमतौर पर समझी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि लोगों को बाकायदा जो है ना चाहिए होता है, यानी अखबार वालों को मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। ये मैंने जो आपको आर्टिकल भेजा है इसमें भी हमने यही बताया है कि लोग अखबार के एडिटर्स, अखबार में लिखने वाले, उनको बकायदा बहुत सा मटेरियल चाहिए होता है, और अमूमन उनको दीनी और इस समाजी मामलात पर खास दिनों के देखें। अब आपने सीखना ये है एज ए मीडिया स्टूडेंट, या आप दीनी जो आपने 10वीं में मीडिया का कोर्स पढ़ा है, कि जो भी मौका है उसको दीनी मकासद के लिए इस्तेमाल कैसे करना है। मसलन
किसी दिन है ये माँ का आलमी दिन है, किसी दिन है ये बाप का आलमी दिन है, या मुख्तलिफ जो दिन आते हैं सोसाइटी में। अच्छा, अब अगर आप उन दिनों में, अब देखें माँ की मतलब शख्सियत के बारे में या माँ की अहमियत के बारे में, माँ की अजमत के बारे में क्या इस्लाम ने रहनुमाई की है कोई, तो आप उसी मौके को यूज करेंगे कि आप उस दिन लिख देंगे आर्टिकल जो माँ की अहमियत के बारे में होता है। फर्ज क्या, किसी दिन औरतों का आलमी दिन है, बच्चों का आलमी दिन है, तो आप उन उसके बारे में दीनी तालीमात को वाजे कर देंगे। इसी तरह माहौलियात के बारे में, देखिए इस्लाम ने तो हर चीज के बारे में रहनुमाई दी है ना, तो अगर आप अपने आर्टिकल को, अपनी तहरीर को करंट सूरत हाल के साथ लिंक करेंगे और अखबार के उस खास हिस्से के लिए भेज देंगे, तो आपका वो आर्टिकल छप भी जाएगा और ज्यादा से ज्यादा पसंद भी किया जाएगा। ठीक है, तो और क्योंकि अखबारात को फ्रेश मटेरियल चाहिए, तो वो फ्रेश मटेरियल उसी सूरत में मिलेगा कि जब आप नए आर्टिकल लिख के उसको भेजेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास स्पेस होती है। क्या क्या मैंने नाम लिए हैं, अगर कोई आप में से रिपीट करना चाहे या मैं रिपीट करूं, आप किस तरह एक अखबार में अपनी चीज भेज सकते हैं। हाफिज गोहर इजाज, आपको आवाज आ रही है या आपने सुना है? मुझे लगता है आपने बाद में ज्वाइन किया। मैंने ज्वाइन किया लेकिन मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सुना है चलें, जैसे कि ये आपने। शुरू से ज्वाइन किया हुआ है मेरे अफशीन साकिब हैं और बाकी लोग। आपको कोई नहीं, पॉइंट्स आप नोट भी करते हैं या कि मैंने क्या कहा कि आप एक अखबार में कौन कौन से वो स्पेस है जो आप लोग यूज कर सकते हैं? जी मैंने ऐसे भी सुना है, आपने बताया था कि कॉलम है, वहां पर कॉलम लिख लेटर टू एडिटर है, यानी आप कॉलम लिख के भेज सकते हैं अखबार को, वो छप सकता है। नंबर टू, लेटर टू एडिटर कर सकते हैं। नंबर टू हम लेटर टू एडिटर की बात की। नंबर थ्री, और कोई स्पेसिफिक दिन हो जैसे माँ का आलमी दिन या फिर इसका, तो उसमें तो कहते भी हैं एडिशन, एडिशन हाँ, जो कलर्ड एडिशन आते हैं ना हर अखबार में, आपने देखा है कि मुख्तलिफ एडिशन होते हैं। ठीक आप है। में से कोई ऐसा हो जिसके घर मैं में अखबार आता है? नहीं आता सर, पहले आता था। आपकी आवाज नहीं हमें क्लियर आ रही है, आपने अपना क्या कहा आता जी? जी चलें, आपका ये समझ लीजिए एक्टिविटी है। कल आपने ना सब ने एक कोई एक उर्दू अखबार लेना है, ठीक है, और उसमें ये वाले हिस्से ढूंढने हैं। हर अखबार में ये हिस्से होते हैं, ठीक है, कॉलम, लेटर टू एडिटर, एडिशन, और कोई स्पेशल जो एडिशन वो भी होता है। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर अब तो अखबार मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अब तो इंटरनेट के ऊपर आप कोई भी डेली ओपन करके देख सकते हैं, तो अब तो इस एक ही वजह से बात पहले है, मंगाते थे, अब तो छोड़ दिया है कि नहीं ऑनलाइन अवेलेबल है। चले यही बात है ना, चले मतलब सॉरी, यानी अखबार आना या अखबार पढ़ना वो एक ही बात है ना। अगर तो आपके पास आता है, आप पढ़ते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप प्रिंट फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं आप नहीं आप इंटरनेट पे पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं। कोई ऐसा है जिसने पिछले 2 वीक्स में कभी कोई अखबार पढ़ा हो? मोस्टली अब तो फेसबुक पेज ही था, जिसका मैं डॉन न्यूज और एक्सप्रेस ट्रिब्यून को मैंने फेसबुक पर ही लाइक किया, और वहां पर ही न्यूज नजर आ जाती है। पहले होता था नहीं अखबार देखिए, आता था, लेकिन अब नहीं वहां पर वहां न्यूज आती तो है। देखिए वो पूरा अखबार तो नहीं आता ना, एज ए कंप्लीट फॉर्म में अखबार नहीं वहां होता, वो तो न्यूज होती है।
जी कौन बता रहा था? किसी ने, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसी ने पिछले 2 वीक्स में कभी कोई अखबार पढ़, कोई मतलब पढ़ने की कोशिश की हो, ये वाला अखबार पढ़ते हैं? वो न्यूज सारी आ जाती है फेसबुक पे नहीं या फिर किसी भी व्हाट्सएप के थ्रू, हर अपडेट मिल जाती है, इस वजह से फिर अखबार हम लोग नहीं पढ़ते अब। अदरवाइज अखबार हमारे असल घर में हमेशा आता रहा है। बात यह है कि जो मतलब ये वाली जो हमारे यहाँ एक नई ट्रेडिशन आई है ना कि हम मुताले से दूर हुए, तो खैर लेकिन अखबार की ऑथेंटिसिटी वो एक बरकरार है, मतलब अभी वो एज ए मीडियम आप लोग नहीं यूज करते, लेकिन बहुत से लोग अखबार पढ़ते हैं और उसको देखते हैं, आखिर उनकी इशाअत होती है और उस पे छपने वाली चीजों को अहमियत दी जाती है। ठीक है, अब ऐसे इवन के कॉलम्स भी मैंने देखा था, इस तरह के भी आर्टिकल मतलब अब आ जाते हैं कि न्यूज में भी ना, जितना फेसबुक के ऊपर अक्सर अभी किसी ऑथर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है तो डॉन न्यूज उसको भी पब्लिश कर देता है, तो वो चले। भी इस तरह से भी हमारे सामने आ जाता है, वो हाँ मैंने बस देखा वो है। हमने असल बात अब ये कर रहे हैं हम कि हम अखबारात को में कौन कौन सी स्पेस या किस तरह यूज कर सकते हैं अपने कुछ ख्यालात को फैलाने के लिए, ये मकसद है ना हमारा कि हमें मीडिया की मुख्तलिफ फॉर्म्स को यूज करना आना चाहिए अपने इजहार ख्याल के लिए और इसी तरह अपने जो नजरियात के फरोग के लिए। ठीक है, बेसिकली हमारा इस कोर्स का, इसको पढ़ने का मकसद ये है कि हमें मुख्तलिफ मीडिया के आउटलेट्स जो हैं, ठीक है, वो उनका यूजेज आना चाहिए कि हम उनको किस तरह अपने मकासद के लिए, अपने दीनी मकासद के लिए, अपने नजरियात के फरोग के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, आपकी अब कोई बात करना चाह रहे हैं जी जी आपकी? प्रॉब्लम, अच्छा, चलें आपका। अच्छा खैर, यानी हमने ये पढ़ा। अच्छा, इसके बाद अगला मरहला आता है वीकली मैगजीन। किसी ने देखा आपने कभी के वीकली मैगजीन क्या होता है? कभी किसी अखबार का? चलें अभी नहीं, शायद आज से पहले आप लोग कोई पढ़ता होगा अखबार का, एक संडे मैगजीन आता है। ठीक है, कई लोगों के घर आमतौर पर आम नहीं अखबार आता, लेकिन जो है ना वो वीकली मैगजीन यानी आते हैं, और यानी संडे वाले दिन अखबार आता है जिसमें एक मैगजीन भी होता है, और वो आमतौर पर उस दिन अखबार भी जो है ना आम आम सफात से ज्यादा जो है ना उसको उसमें सफात होते हैं। अच्छा, वीकली मैगजीन में भी मुख्तलिफ पोर्शंस होते हैं, वहाँ आमतौर पर इंटरव्यूज होते हैं और इसी तरह उसमें भी एक स्पेस होती है जो है ना किस तरह आप उसको उसमें कर सकते हैं, वीकली मैगजीन में आर्टिकल्स वगैरह छापते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके पास एक स्पेस होती है जिसपे आप अपने ख्यालात, आप मुख्तलिफ चीजें आप उसपे छाप लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह जो है प्रिंट मीडिया में जो एडिशंस मैंने कहा था उसमें एक दीनी एडिशंस भी होते हैं, बच्चों के लिए भी होते हैं, खवातीन के लिए अलग पेज होता है, और बाज़ अवकात दीगर भी आपके पास पॉइंट्स होते हैं, यानी दीगर भी एडिशंस होते हैं स्पेशल जो ओकेशंस के, उन पे भी छाप सकते हैं। अच्छा, इसी तरह प्रिंट मीडिया में एक आपके पास जो अहम तरीन और जगह होती है यानी अखबारात जो ट्रेडिशनल के अलावा, वो होते हैं दीनी रिसाले। ठीक है, आप में से मसलन दीनी रिसाले भी आप ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, या कभी कोई ऐसा है जो कोई दीनी रिसाला खरीदता भी है, या इवन ऑनलाइन पढ़ता है लेकिन पढ़ता है, कभी कोई मैगजीन पढ़ा हो दीनी? मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ जो जिस तरह आपके आर्टिकल समझ पे रखते कहाँ रहते से आर्टिकल पढ़ते?
फेसबुक से ही मोस्टली। नहीं, वो फेसबुक तो ठीक है, वो हम पोस्ट एक अलग फॉर्मेट था, लेकिन दैनिक मैगजीन भी तो छपते हैं ना, कभी किसी ने पढ़ा है कोई दैनिक मैगजीन? सर हमारे घर एक आता था जमाते इस्लामी के, एक थे हमारे मोहल्ले में रहते थे साहब, वो दे के जाते थे, वो 5-6-10 तकरीबन सफहात का होता था, उसमें कॉन्टिन्यूस होते थे कुछ जरीदे, और कुछ जो थे वो वन टाइम आता होता था, तो वो मेरे फादर को दे के जाते थे, तो वो हम पढ़ते होते थे। उसमें होता था किसी सहाबा का जिक्र है, किसी की बायोग्राफी है, या कोई हिस्टोरिकल चीज इवेंट बताया हुआ है, और फिर मौजूदा हालात के ऊपर तनकीद वगैरह होती थी। चले, वो क्या नाम क्या था उसका, कभी कोई याद हो? सर नाम उसका भी जहन से निकला हुआ है, कुछ इस्लामिक उसमें ही था, अभी मेरे माइंड में आता है, आपको दो तीन आते थे उनके डिफरेंट नेम्स से, एक दो पढ़े भी हुए, मैं निकालती हूँ फिर आपका नाम भी सेंड करती हूँ। चले ठीक है। देखिए यानी हम इस फॉर्मेट से जो मीडिया की इस से यानी काफी दूर हैं। अच्छा अब देखें, मैगजीन छपते भी हैं, लोग पढ़ते भी हैं, वो पब्लिश भी होते हैं, इदारों में भी जाते हैं, उनकी भी एक रीडरशिप भी है, ठीक है, और जाहिर बात है उनमें क्वालिटी कंटेंट आना ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। आप लोगों ने ही लिखना है क्योंकि आपके पास दीनी इल्म है, आपने उसको बाकायदा पढ़ा हुआ है, आपके पास तारीख का इल्म है, हदीस का इल्म है, आपने कुरान को तफसीर कोर्सेज पढ़े हुए हैं ना, तो अब इन कोर्सेज को या इस इल्म को लोगों तक पहुंचाना एक तो वो तरीका है, जो आप सोशल मीडिया यूज कर लें, आप तकरीर कर लें, आप कहीं पे पोस्ट कर दें, वो भी तरीके हैं, लेकिन ये वाला मैदान भी है। और जरूरी नहीं, खैर मैं ये भी नहीं कहता होता कि हर शख्स का या हर फर्द का हर मैदान है, लेकिन एक मैदान ये भी है जिसको आपको देखना चाहिए, ठीक है, कि दीनी मैगजीन छपते हैं और उनमें बहुत सी स्पेस होती है, वो बकायदा इसी मकसद के लिए होते हैं कि लोग उनमें लिखें, और आप लोगों का ही फर्ज है कि आप उनमें उनमें अच्छे आर्टिकल लिखें ताकि वो आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा पसंद किए जाएं और उनका अच्छा फीडबैक आए, और खुसूसन सोसाइटी में लोग जो परेशान हैं मुख्तलिफ वालों से उनको हेल्प मिले। अच्छा इसी तरह प्रिंट मीडिया में बुक्स भी आती हैं। अच्छा दीनी मैगजीन है और दीनी के साथ दो तरह की और मैगजीन भी छपते हैं जो कि बड़े उनमें चीजें वायरल भी होती हैं। उनमें से एक है आपका खवातीन के मैगजीन और एक है बच्चों के मैगजीन, कभी वो देखें आप में से कभी किसी ने वो बच्चों का मैगजीन देखा हो, खरीदा हो? इसी तरह खवातीन के हवाले से स्पेशल मैगजीन कभी पढ़ा हो, खरीदा हो, देखा हो? कभी किसी ने नहीं देखा कोई सर ये खवातीन के मेरे हवाले से? पास ना अभी तीन है, एक जो है मेरे पास ये है अलकारा हिंदिया, और इसके अंदर जो है वो आर्टिकल्स हैं, ये मैं इमेजेस सेंड कर दूंगी, और एक मेरे पास ये साला हरमैन शरीफ है ना, ये भी बुकलेट की फॉर्म में और न्यूज की फॉर्म में है, ये अरेबिक में है, इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, और एक और भी है ये जद्दा का है अलवसीत के नाम से, ये भी अखबार है उसी तरह से आप सऊदी अरब में होती हैं, ठीक है, मैं असल में हम ज्यादा फोकस पाकिस्तान और उर्दू के हवाले से कर रहे हैं कि इधर कभी आपने देखा हो कोई बच्चों का मैगजीन या खवातीन का? नहीं, ये सऊदी अरब में नहीं होती वो, वैसे बच्चों की दुनिया आता है ना, एक बच्चों की दुनिया है, वो भी हम लेते होते हैं अक्सर, झंग हाँ का नाम तालीम करके भी बंद होता है। तरबियत, तालीम तरबियत हम लोग हाँ काफी करते रहे तालीमो हैं, काफी साल, तालीम करीब 10-15 साल। हाँ तालीमो तरबियत, फूल, नूर, पैगाम, और बच्चों की इसी दुनिया, तरह बच्चों का बाग, बच्चों की दुनिया, बच्चों का और नौनिहाल है ना, बाग, ये खवातीन का मुख्तलिफ इस्लाम, मैगजीन। और हाँ नौनिहाल। नौनिहाल, जी, बिल्कुल बिल्कुल, नौनिहाल एक मैगजीन भी रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये सारे मैगजीन भी हैं जो छपते हैं, लोग पढ़ते हैं और तालीमी इदारों में भी जाते हैं, और अब भी कुछ फैमिलीज हैं जो इनको खरीदती हैं। अच्छा अब इनमें भी लिखना और अच्छा कंटेंट लिखना ये भी बड़ा जरूरी है, और मतलब आप आपके लिए इसमें मौके हैं अगर आप इनमें लिखें और इसकी इनके जरिए अपनी दावत का काम करने की कोशिश करें, तो ये भी एक
मतलब वो चीज है कि जो कि आप आपके लिए मौजूद है कि आप उनमें लिखें। और जाहिर बात, हर हर मैगजीन का, हर एक का स्टाइल, और वो तो आप जैसे ही उसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने इसको किस तरह उसमें किस तरह लिखना है, किस मतलब फॉर्मेट में लिखना है और किस तरह आप लिखेंगे, तो आपको उसका फायदा होगा। ठीक है, तो ये एक मैदान है कि आप बच्चों के लिए लिखें, ख्वातीन के लिए लिखें, खुसूसन क्योंकि इस क्लास में भी ज्यादा ख्वातीन है, तो आपको न सिर्फ पढ़ना चाहिए और बल्कि लिखने की भी कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ख्वातीन के मैगजीन से ही आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ख्वातीन के मसाइल क्या हैं, ख्वातीन क्या सोच रही हैं, या इवन जो उन रसाइल में क्या लिखा जा रहा है, क्या वो इस्लामिक हवाले से कोई गलत फहमियां तो नहीं फैलाई जा रही, क्या वो कोई ऐसे नजरियात तो नहीं फैलाए जा रहे जो कि एंटी इस्लाम है, या जिनकी वजह से हमारे लोगों इन्हीं लोगों के जहनों को बदला जा रहा है, या उनमें कोई ऐसे अकायद के हवाले से मसाइल, या माशरती हवाले से इस्लाम पे तनकीद या वल्गैरिटी या इस तरह की कुछ चीज फैलाने की कोशिश की। अच्छा, वो ये सारी चीजें आप तभी अंदाजा कर सकते हैं जब आप उनको पढ़ेंगे, पढ़ेंगे और फिर वह उसी प्लेटफॉर्म पे लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये वाले कई मैदान ऐसे हैं जो कि शायद हमारे दीनी तबके ने, दीन मजाज लोगों ने वो बिल्कुल छोड़ दिए हैं, और ये उनके लिए छोड़ दिए हैं कि जो इल्हाद फैलाते हैं, अपनी मखसूस जो है वो फैलाते हैं, जो है मतलब ख्यालात और अपने नजरियात, तो जब आप नहीं लिखेंगे या आप लोग उन पर तवज्जो नहीं देंगे तो जाहिर बात है बहुत से और लोग तवज्जो देंगे और उनके नजरियात फैल भी रहे हैं, बहुत सा कंटेंट जनरेट हो रहा है, जिस तरह मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वेबसाइट्स फॉर्म में है, इसी तरह प्रिंट फॉर्म में बहुत से लोग अभी भी लाइब्रेरीज में जाते हैं, पढ़ते हैं, इन मैगजीन्स को पढ़ते हैं और इनसे असर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, बच्चों के और मैगजीन और इसी तरह आपको मैंने बताया कि खवातीन के मैं, अच्छा इसी तरह अब हर एक का तो नहीं इसमें हो सकता, मैं ये कह रहा हूँ कि हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जैसे मतलब एक नॉवल, नॉवलेट या कहानी लिखना, चाहे बच्चों के लिए चाहे बड़ों के लिए। ठीक है, अब ये भी एक बड़ा अच्छा अंदाज होता है कि अगर आप लिख पाए और कहानी, नावल या अफसाना लिख पाए, क्योंकि ये भी एक ना मतलब ऐसी चीज है कि लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। और अगर जैसे मैंने पहले एक जिक्र किया था आपके साथ कि कुछ ऐसे नावल हैं कि जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग या तो मुसलमान हुए या दीन की तरफ आए, मतलब कुछ राइटर्स हैं उमेर अहमद, निमर अहमद और इसी तरह के एक दो और राइटर्स भी हैं, वो ऐसे आर्टिकल लिखती हैं कि सॉरी वो नावल लिखती हैं या नावल लिखती हैं कि जो बड़े दीनी मिजाज के मुताबिक होता है, और उसकी वजह से लोगों के दिलों में दीन की तरफ मायल होने का रुझान पैदा होता है। ठीक है, आप में ऐसे कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है पीरे कामिल और इसी तरह कोई शायद और भी मैगजीन उस तरह के हैं उनके ना, शायद जन्नत के पत्त। अच्छा, ये मतलब ऐसी चीजें हैं कि इनमें में भी एक चाम है लोगों के पढ़ने का, इसमें शौक है, और अगर कोई इसमें एक्सपर्ट हो, मेहनत करे और इनकी तरफ तवज्जो दे तो वो भी एक दावत का भी जरिया है एक तरह से। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने ये पीरे कामिल मैगजीन वो पढ़ा है नावल? सर मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने भी पढ़ा हुआ ठीक है। है, यानी आपको वो पढ़ के कुछ ऐसा फील हुआ ना कि वो एक मुकम्मल दावत की तर्ज पे है। जी मैंने ये उसको ठीक है, ट्राई करके, यानी कि बुक फॉर्म में नहीं आया था, इनके जो नहीं आता था ये ना। जी क्या हुआ, आपकी आवाज नहीं क्लियर है। अच्छा जी, असल में आप क्या कहीं दूर से बोल रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ
नहीं शायद वो रिकॉर्डिंग की वजह से है, वरना मैं लैपटॉप पे जब भी क्लास लेती हूँ तो आवाज क्लियर जाती है, शायद वो रिकॉर्डिंग की वजह से नहीं अब आती। अब सही आ रही है आपको? बिल्कुल जी। मैं ये कह रही थी, मैंने उस वक्त ये पीरे कामिल पढ़ा था जब शाया होता था मंथली बेसिस पे ना, हर महीने शाया होता था, मैंने बुक फॉर्म से पहले ही पढ़ लिया हुआ था उस वक्त शुआ में। हाँ आपने वो मैगजीन पढ़े हुए हैं जो खवातीन हाँ, के जी, मैगजीन जी 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 वही वहीं पे कुछ ऐसे अजीबोगरीब कहानियां भी छपती हैं जो कि शायद मुनासिब नहीं होती, जिसमें कोई खानदानी निजाम के बारे में अजीबोगरीब ख्यालात होते हैं और फैमिलीज के बारे में और इसी तरह यंगस्टर्स के बारे में। लेकिन वहीं पे अगर पीर कामिल आया और वो हिट हो गया तो वो भी एक दावत का जरिया बन गया, बहुत से लोगों की उसकी वजह से उनकी जिंदगी बदल। ठीक है, तो ये भी एक अंदाज है या एक तरीका है कि जिसकी वजह से आप मतलब अच्छा फीडबैक ले सकते हैं सोसाइटी से। अच्छा, हमारे डिस्कशन उस तक चली। इसके बाद जो मजीद प्रिंट मीडिया में करने के काम है, यहाँ आप लोग एज ए यानी जब अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद उसमें कम कर सकते हैं, तो उसमें ये था कि किसी दीनी प्रोजेक्ट के साथ, दीनी जमात भी हो सकती है, कोई दीनी प्रोजेक्ट हो सकती है, उसके मतलब पब्लिशिंग डिपार्टमेंट के साथ अटैच होना, ये भी एक मतलब अहम काम है। खासकर उसकी खबर बनाना, उसके लिए पोस्ट लिखना और उसके लिए तहरीर लिखना और वो उन तहरीर लेटर लिखना और इसी तरह उसकी पब्लिसिटी के लिए काम करना, ये भी ऐसे काम हैं जो कि आपके लिए मुफीद होते हैं एक प्रिंट मीडिया में। और ये प्रिंट मीडिया का ही काम है कि आप एक, क्योंकि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी जमात के साथ मुंसलिक होते हैं, जहरी बहुत सी खवातीन की जमातें भी हैं, कुछ वैसे भी दीनी जमातें आपकी सोसाइटी में काम कर रही हैं, आप भी अपना हल्का अहबाब बना सकते हैं कि हम खवातीन के लिए कोई काम करें, कोई इदारा बनाएं, तो उसके लिए भी आपको मीडिया की ज़रूरत पेश आती है कि आप मीडिया यानी ऐसे जो प्रिंट मीडिया ट्रेडिशन चल रहा है हमारे मुल्क में, उसके साथ मिलके काम करें, उस अपनी चीजों की खबरें, अपने मतलब जो आप अपने इदारे की या अपनी जमात की या अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं, उस वर्किंग को मीडिया तक भी पहुंचाया जाए, खास प्रिंट मीडिया तक। तो ये भी आपके लिए करने का काम है कि अगर आप करना चाहें या मुंसलिक होना चाहें तो आप किसी भी इदारे के साथ और इदारे के साथ, तंजीम के साथ, कोई भी जो इस दीनी मकासद के लिए काम कर रहा हो उसके साथ भी अटैच होके मीडिया डिपार्टमेंट को भी रन कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर बात है हर इदारे को भी मीडिया के साथ रिलेशन बनाना, वहां उसको खबर भेजना, खबर बनाना, इसकी जरूरत पेश आती है। अच्छा, इसी तरह मतलब हमारे यहाँ आमतौर पर खवातीन का तो ये नहीं है, लेकिन जो मेल साइड पे है वहाँ पे एक और जो प्रिंट मीडिया में काम किया जा सकता है या फायदे हासिल होते हैं अगर आप सीख लें, तो वो होता है कि अगर आप जो है एज ए नुमाइंदा ज्वाइन कर लें किसी इदारे को, जिससे मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहा ना, तो इसी तरह आप एक नुमाइंदे के तौर पर प्रिंट मीडिया को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मसलन आप किसी अखबार के नुमाइंदे बन जाएं, किसी दीनी रिसाले के नुमाइंदे बन जाएं जो कि अपने इलाके की खबरें या खबर हो सकती है, कोई भी जो आपके मसाइल के हवाले से चीज हो सकती है, वो आप अपने अखबार को सेंड करें। देखिए इसका एक फायदा है इस तरह काम करने का, वो ये जैसे खिदमत खल के काम है, ठीक है, जैसे आप अपनी मस्जिद है उसके तहत, अपने मदरसे के तहत या अपने हल्का अहबाब के तहत खिदमत खल का कोई काम करते हैं, तो जाहिर बात उससे आपकी दावत में भी आसानी होती है। ठीक है,
तो इसी तरह जब आप ये काम करते हैं कि आप एक दीनी मिजाज के साथ आप करते हैं, एक मीडिया के साथ अटैच हो जाते हैं। अच्छा, जब आप उसके नुमाइंदे बनते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है कि आप न्यूज़ देते हैं, आप उस इलाके के मसाइल को उजागर करते हैं, आप वहाँ पे एक मीडिया पर्सन के तौर पर आपकी पहचान बनती है और आपको ये मौका मिलता है कि आप उस इदारे में उस इलाके की उस की नुमाइंदगी करें। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म होता है जिसके जरिए आप एक पहचान बनाते हैं और लोगों को जो है ना अपनी लोगों के मसाइल भी हल करते हैं और साथ साथ दावत का काम भी करते हैं। अच्छा, इसी तरह एक अहम चीज जिसकी तरफ तवज्जो दिलानी थी, बाज़ का तो होता क्या है कि जो मीडिया है या मीडिया पर मुख्तलिफ आप हर दूसरे तीसरे दिन देखें कोई ना कोई इशू जो है वो आ रहा होता है। अच्छा, अब मीडिया को जरूरत होती है कि इन इश्यूज पर जो नामवर लोग हैं वो तहरीरें लिखें या वो अपनी कोई आरा दें, उसमें वो पॉलिटिकल या उलमाए कराम हो सकते हैं, मुफ्तियान कराम हो सकते हैं या बाकी लोग। अच्छा, अब एक और जो सियासत में या आम सेकुलर लोग या पॉलिटिकल लोग या इस तरह की जो लोग एक चीज करते हैं वो ये कि वो बड़े नामों बड़े शख्सियात के नाम पे तहरीरें लिखते हैं। ठीक है, और वो तहरीरें अखबारात में शाया की जाती हैं, उनको भेजी जाती हैं और वो फिर कॉलम जो है ना वो बाकायदा छपते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि फर्ज किया आप मेहनत करें, आर्टिकल लिखें, और क्योंकि आप अभी नए हैं, बिगनर्स हैं, आपकी इतनी पहचान अभी मीडिया में नहीं है, या आप आहिस्ता आहिस्ता आपका मतलब पहचान सामने आती है, लेकिन एक इदारे के तौर पर हो और अपने किसी को सपोर्ट करने की खातिर आप किसी बड़ी शख्सियत के नाम पे इन आर्टिकल आप लिखें और वो छपे किसी जो है ना जो है वो आपको उसका उसके नाम पे छप जाए। ये बहुत एक फायदे की चीज है जिससे बेसिकली आपका मकसद क्या है कि आपकी दावत फैले और एंटी इस्लाम, लिबरल, सेकुलर उनको जवाब दिया जाए। तो जो है उसके लिए जाहिर बात, क्योंकि आप नए किसी बंदे के नाम पे, जैसे मतलब इसकी मिसाल ये है कि आप को कोई कहे कि जी फलां आलमे बड़े आलमे दीन ने ये बात कही है, आप उसको ज्यादा अहमियत देंगे या कोई आपका कोई नौजवान हो, कोई मतलब सिंपल आपका क्लास फेलो हो, उसकी तहकीक को या उसको जवाब दें। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है कि बड़े उलमाए कराम या उनकी बात को अहमियत दी जाती है। अब जाहिर बात उनके पास टाइम नहीं होता या वो और मसरूफियात रखते हैं, तो अगर आप ये भी करें तो ये भी एक तरह की समझे दीनी खिदमत है कि आप आर्टिकल लिखें और उनके नाम पे शाया करें। अच्छा, अब प्रिंट मीडिया में काम के हवाले से दो तीन जो चीजें हैं अपनी स्किल इम्प्रूव करने की, उसमें ये कि सबसे पहले तो आपको कंपोजिंग आनी चाहिए और कंपोजिंग इम्प्रूव करें आप अपने। ठीक है, वो इस तरह के आप आर्टिकल कंपोज फॉर्म में भेजें बजाय इसके कि हाथ से लिखा हो। अच्छा, आप अगर आप हाथ से लिख के भेजेंगे तो उसका किसी अखबार में किसी जगह पे, जो मैंने इतनी चीजें आपको गिनवाई है ना, जहाँ जहाँ आप लिख सकते हैं, एडिशन में, लेटर टू एडिटर में, कॉलम में, और इसी तरह खवातीन के रसालों में, बच्चों के रसालों में, और वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको जरूर आपके छपने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप कंपोज फॉर्म में उनको भेजें, नंबर 1। नंबर 2, आप कोशिश करें कि आप तहरीर को मुख्तसर और जामे, यानी बहुत मुख्तसर तहरीर हो लेकिन वो
उसमें सारी बातें आ चुकी हैं, वो आप लिखें, ठीक है। और इसी तरह आप जो है ना करंट अफेयर, यानी जो मौका है, जो चल रहा है सोसाइटी में, जिसका जो चीज डिस्कस हो रही है, उसके बारे में दीनी रहनुमाई लिखने की कोशिश करें, उसके छपने का चांस भी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक हो गया। और इंशाल्लाह इन चीजों को आप देखेंगे, इनके जरिए जो है ना आप प्रिंट मीडिया में काम करने की कोशिश करेंगे, तो ही आपको इंशाल्लाह ज्यादा अच्छा फीडबैक मिलेगा, ज्यादा आपकी तहरीर वायरल होगी और आपकी जो है ना ज्यादा से ज्यादा चीजें, मतलब दावत का जो आप काम करना चाहते हैं प्रिंट मीडिया के जरिए, तो आपको आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते, ठीक है जी। इस हवाले से यानी आज हमारी पूरी डिस्कशन का मौजू या हमने ये लेक्चर डिजाइन किया था कि किस तरह हम प्रिंट मीडिया को अपने नजरियात के फरोग, हमारा नजरिया क्या है, दावत दीन का काम करना, कुरान और हदीस की तालीमात को आमल आम करना, लोगों को इल्हाद वाले या नाकिस या ऐसे बेबुनियाद नजरियात से की बजाय दीन की तरफ लेके आना, सेकुलरिज्म की बजाय इस्लाम की तरफ लेके आना, इल्हाद से रोकना और नबी अकरम सल्लम की तालीमात को आम करना, यही आप पढ़ रहे हैं ना, और यही आपका मकसद है। तो इस मकसद के लिए प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल करना, ये हमारे आज के लेक्चर का बुनियादी पॉइंट था, ठीक है जी।